नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है वेद ज्ञान और वेदानुकूल आचरण से ही मनुष्य धार्मिक बनता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। धार्मिक मनुष्य के विषय में समाज में अविद्या पर आधारित अनेक आस्थाएं और अंधविश्वास प्रचलित हैं। इन पर विचार करते हैं तो इनमें सत्यता की कमी अनुभव होती है। सच्चा धार्मिक कौन होता है? इसका उत्तर यह मिलता है कि सच्चा धार्मिक वही है जिसने वेद ज्ञान उपलब्ध और प्राप्त कर लिया हो, जो सोच विचार कर सत्य और असत्य का ग्रहण करता हो, अपने प्रत्येक कर्म को कसौटी पर सत्य की कसकर उसे ग्रहण धारण करता हो। किसी भी आचार्य व व्यक्ति के कहने से किसी विचार और मान्यता को जीवन में धारण करना सच्ची धार्मिकता की कसौटी व विवेकवान मनुष्य की पहचान नहीं है। मनुष्य जीवन में सत्य व असत्य का महत्व होता है। सत्य को जानकर उसे ग्रहण व धारण करने से मनुष्य जीवन की उन्नति होती है। इसके विपरीत जाने अनजाने सत्य असत कर्म जो हैं उनका आचरण करने से मनुष्य की हानि, पतन और उन्नति होती है। कोई भी मनुष्य असत का आचरण कर जीवन में सुखी व शांति प्राप्त नहीं हो सकता। सुख व शांति की उपलब्धि मनुष्य को ज्ञान के अनुरूप जो है वेद ज्ञान के अनुरूप कर्म और पुरुषार्थ करने से प्राप्त होती है। संसार में अनेक मत मतांतर प्रचलित हैं, जो अपनी मत की पुस्तकों का प्रचार कर उसके अनुरूप कर्म करने का विचार करते हैं। वेद व वेदानुयायी संसार के सभी मनुष्यों से यही अपेक्षा करते हैं कि वह आग्रह करते हैं कि किसी भी मत और विचारधारा को माने, आचरण करें, परंतु उन्हें किसी भी धार्मिक और सामाजिक अन्य कर्म को करते समय सत्य को सामने रखकर उसकी परीक्षा कर ही उसे करना चाहिए। उन्हें यह भी विचार करना चाहिए कि उनके द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म सत्य हितकर, पक्षपात रहित व न्यायपूर्ण है अथवा नहीं। ऐसा नहीं है कि संसार में पुस्तकों की सभी बातें पूर्णतः विद्यायुक्त और सत्य ही हो। महर्षि दयानंद ने संसार में प्रचलित प्राय सभी मतों की पुस्तकों की समीक्षा अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में की है। इस ग्रंथ के उत्तरार्ध में 4 अध्यायों में मत मतांतरों की पुस्तकों की समीक्षा कर उनमें विद्यमान कुछ असत्य मान्यताओं के कथनों से परिचित कराया गया है। असत्यों को छोड़ना, सत्य को ग्रहण करना, सत्य को ही आचरण में लाना मनुष्य का कर्तव्य और धर्म कहलाता है। आर्य समाज के अनुयायियों से यह विशेष गुण पाया जाता है उनमें कि इसका कारण वेद और सत्यार्थ प्रकाश सहित ऋषियों के प्राचीन ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि की बातों का प्राय सत्य पर आधारित होना है। हम भी इन ग्रंथों को पढ़कर अपने विवेक व अन्य विद्वानों की समीक्षा से सत्य और असत्य का निर्णय कर सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग कर सकते हैं। ऋषि दयानंद का धन्यवाद है कि उन्होंने मानव जाति को आर्य समाज के श्रेष्ठ 10 नियम दिए। इनमें से एक चौथा नियम है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वथा उद्यत रहना चाहिए। यह मनुष्य जीवन में धारण करने योग्य आदर्श है। इसे अपना लिया जाए तो हम अपने जीवन को उच्च और महान गुणों का आदर्श बना सकते हैं। ऐसा ही संसार में कुछ महापुरुषों और सभी वैदिक ऋषियों और मनुष्यों ने किया है। वह वेद अभ्यास और उपनिषद, दर्शन, शुद्ध मनुस्मृति, सत्यार्थ प्रकाश आदि जो ग्रंथ हमें प्रदान कर गए हैं, इससे हमें सत्य का ज्ञान व सत्य के ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। इसके इनसे अध्ययता व सच्चे अर्थों में हम मननशील मनुष्य बनते हैं। इनका अध्ययन करने से ऐसे मनुष्यों का जीवन सत्य का ग्रहण व सत्य के त्याग का एक उदाहरण होता है। जीवन में 3 सत्ताएं अनादि व नित्य अस्तित्व वाली हैं। यह 3 सत्ताएं हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर एक है, वह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, अंतर्यामी है। सभी जीव जो कि संसार में अनंत व असंख्य हैं, अल्पज्ञ अवा अल्प शक्तियों से युक्त होते हैं। सभी जीवों का पूर्णतः ज्ञान से युक्त नहीं होते। वह माता, पिता, आचार्य, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना से अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। पूर्ण ज्ञान ईश्वर व वेदों से ही प्राप्त होता है। यही कारण था कि हमारे प्राचीन सभी पूर्वज व ऋषि मुनि मुख्यतः वेदाध्ययन व वेदानुकूल ग्रंथों का अध्ययन, उनका चिंतन, मनन उसके अनुरूप ही आचरण करते थे। वेदाध्ययन से ही मनुष्य के ज्ञान की न्यूनता दूर होती है, वह कुछ पूर्णता को प्राप्त करता है। वेदाध्ययन से ही मनुष्य ईश्वर व जीवात्मा सहित प्रकृति के स्वरूप और गुणों को यथार्थ रूप में जान पाता है। जिन लोगों ने वेद व वैदिक साहित्य का अध्ययन नहीं किया, वह ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकते, न ही ज्ञान से संभावित पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान की पूर्णता होने पर जो है मनुष्य ऋषि, विद्वान, योगी बनता है। और अतः सभी ग्रंथों, चाहे वह धार्मिक हों, साहित्यिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों या अन्य श्रेणी के हों, उन्हें किसी भी आचार्य व महापुरुष ने लिखा हो, उसकी प्रत्येक बात की परीक्षा कर सत्य होने पर ही स्वीकार करनी चाहिए। ऐसा करके ही हम सत्य मत को प्राप्त हो सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ऐसा करने से ही ईश्वर हमें व उसकी कृपा प्राप्त होती है, हमारा मनुष्य जन्म लेना सफल हो सकता है। इसके विपरीत किसी भी पुस्तक पर अपनी बुद्धि के परीक्षा किए बिना विश्वास कर लेना मननशील मनुष्य का लक्षण नहीं है। वेद ऋषि दयानंद का कोटिशा धन्यवाद कि उन्होंने संसार को यह नियम दिया,
वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेदों का पढ़ना पढ़ाना, उनका सुनना सुनाना, उनका प्रचार करना ही मनुष्यों का परम धर्म है। वेद ही इस महत्ता का वेदों की कारण वेदों का ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। हमें वेद की सत्यता की परीक्षा का भी अधिकार प्राप्त है। इसके लिए हमें वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करना होगा, सच्चा योगी बनकर ईश्वर का साक्षात्कार करना होगा, तभी हम वेदों की परीक्षा कर सकेंगे। ऐसे विद्वानों व ऋषियों के कथनों की परीक्षा कर ही जो निभ्रांत सत्य सामने आता है उसे स्वीकार किया जाता है। ऐसा करके ही हम वेदों की पूर्ण सत्यता की गहराई से जांच कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। सृष्टि की आदि से ऋषि दयानंद तक जितने भी ईश्वर का प्रत्यक्ष किए हुए वेदांकों की ज्ञाता ऋषि हुए हैं, उन सब ने सत्य की पूर्णता, वेदों की पूर्णता की घोषणा की है। उन्होंने अपने अपने जीवन को वेदमय बनाया था, इससे उन्हें आध्यात्मिक बल और मृत्यु पर विजय प्राप्त अमृत जो है, जिसे मोक्ष कहते हैं, प्राप्त हुआ है। संसार के सब लोगों को, क्योंकि सब ईश्वर एक ईश्वर की संतानें हैं, एक सनातन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर ही की उपासना, उसके वेद ज्ञान का नित्य प्रति स्वाध्याय कर सत्य सिद्धांतों को प्राप्त होकर उसका पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। वेद ज्ञान को प्राप्त कर ही मनुष्य सच्चा ज्ञानी व विद्वान बनता है। वेद ज्ञान रहित मनुष्य को सच्चा विद्वान नहीं कह सकते। वेद ज्ञान रहित मनुष्य ईश्वर व आत्मा के स्वरूप को सत्य और सत्य नहीं जान सकता। तो फिर विद्वान कहें तो किस आधार पर उसे कहें? अतः वेद ज्ञान की प्राप्ति सब मनुष्यों के लिए अनिवार्य है। वेद ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य सच्चे व विद्वान व ज्ञानी बनते हैं। वेद ज्ञान को प्राप्त होकर मनुष्य का वेद ज्ञान के अनुकूल आचरण करना कर्तव्य होता है। इस कर्तव्य का पालन को ही धर्म कहा जाता है। इस धर्म के पालन से ही मनुष्य सही अर्थों में धार्मिक बनता है। हम अपना समय वैदिक साहित्य के अध्ययन, चिंतन, मनन में लगाते हैं। हमें इस बात का विश्वास है कि संसार के सभी मनुष्य एक परमात्मा सृष्टिकर्ता की संतानें हैं। संसार में एक ही ईश्वर है, दो व अधिक नहीं है। यह अटल सत्य है कि सभी मत मतांतर जो ईश्वर का होना स्वीकार करते हैं, उन सबका ईश्वर एक ही है। जब ईश्वर एक है तो उसका ज्ञान भी एक ही होगा। किसी भी अवस्था में परस्पर विरोध नहीं हो सकता। यदि किसी कहीं विरोध होता है तो वह ईश्वर के मानने वालों की अल्पज्ञता के कारण होता है। यह अल्पज्ञता वेदाध्ययन से ही दूर होती है। जो लोग वेदों से दूर हैं और वेदों का विरोध करते हैं, वह कदापि सत्य ज्ञान व ईश्वर के सत्य स्वरूप का साक्षात्कार कर उसको प्राप्त नहीं हो सकते। उनको ईश्वर का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। जीवन के अंतिम लक्ष्य अमृत या मोक्ष की प्राप्ति, मनुष्य के वेद ज्ञान की प्राप्ति उसके अनुकूल आचरण सहित उपासना करने व ईश्वर का साक्षात्कार करने पर होती है। इस स्थिति को प्राप्त मनुष्य ही सच्चे अर्थों में धार्मिक और महान होते हैं। सबको वेदाध्ययन कर अनुकूल वेदों के अनुसार आचरण करना चाहिए और धार्मिक बनकर अमृतमय मोक्ष को प्राप्त करना चाहिए। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक थे वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, साथ ही साथ प्रेरणादायक कहानी, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें इसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।